पराजय स्वीकार करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तापमान बढ़ रहा है। यदि शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो असुरों के अदिति मां तक पहुंचे बिना ही उनका तप भंग हो जाएगा। और मैं करूं तो क्या करूं? जल डालकर अग्नि बुझाने से लकड़ियां गीली हो जाती हैं, फिर शीघ्र ही उपयोग में नहीं आती। पर यदि अग्नि को बुझाने के लिए बालू का प्रयोग किया जाए तो इन अजली लकड़ियों का प्रयोग फिर से ईंधन के रूप में किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों को व्यर्थ करना अनुचित है गरुड़, हमें सदैव उनका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? माली और अग्निमुखम जैसे शक्तिशाली असुरों को परास्त करके तू प्रसन्न हो रहा है ना? परंतु तेरी ये प्रसन्नता अधिक समय तक नहीं रहेगी करो। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कोई भी मूल्य चुकाना पड़े, परंतु मैं तेरी खींची हुई रेखा अवश्य पार करके रहूंगा। तीव्र भूख लग रही है,
पर अदिति माँ तपस्या में मग्न है और जब तक ये असुर अपना आक्रमण समाप्त करके वापस नहीं लौट जाते मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता। न जाने कब किस नए मायावी राक्षस को भेज दे वज्रांग भैया। किसी भी विजय का सबसे बड़ा कारण होता है शत्रु के हृदय में उसका भय। यदि देवताओं को यह पता चल गया कि इस अल्पायु गरुड़ ने हम असुरों को घुटने टेकने पर विवश कर दिया है तो उनके हृदय में हमारा भय समाप्त हो जाएगा। यदि शीघ्र ही इसे मार्ग से नहीं हटाया गया तो समस्त ब्रह्मांड में हम असुर एक उपहास का पात्र बन जाएंगे सेनापति। सेनापति, गुरु भार्गव के आशीर्वाद के बिना ही केवल अपनी चित्ता की भस्म से ये पक्षी पुनर्जीवित हो सकता है तो सोच कर देखिए। यदि देव माता अदिति अपनी तपस्या पूरी करके विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल हो गई, तो वो अपने पुत्रों के लिए कितनी अकल्पनीय शक्तियां प्राप्त कर सकती है। गायरों जैसी बातें करना बंद करो। धक्का अवश्य लगा है हमारे प्रयासों को परंतु हम अभी तक पराजित नहीं हुए। गरुण यदि अग्नि से जलकर नहीं मरा इसका ये अर्थ नहीं है कि हम उसे मार नहीं सकते। स्मरण रहे संजीवनी विद्या हम असुरों की शक्ति है किसी पक्षी की नहीं। गजासुर जाओ अपने पैरों से उस गरुण को कुचल कर वापस आना। जो आज्ञा सेनापति। अंगमुखम तुम भी साथ जाओ और अपने नुकीले दांतों से उस पक्षी के मांस को फाड़ डालना और इतना तीव्र प्रहार करना कि उसकी अस्थियां अनेकों भागों में टूट जाएं। आज भूमि रक्त से लाल होनी चाहिए। जो आज्ञा सेनापति। मिलकर कार्य करोगे तो विजय अवश्य मिलेगी और स्मरण रहे या तो उसके प्राण हर लेना या अपने प्राण गवा देना। यदि बिना विजय के तुम वापस आए तो मैं तुम्हारे जीवन को मृत्यु से भयानक बना दूंगा। जाओ। जिस गति से आ रहे हो उससे दुगनी गति से वापस लौट जा। पहले माली और सोमाली ने मुझे भूख का अनुभव कराया, फिर अग्निमुखम के कारण मेरी भूख और भी बढ़ गई। और तुम दोनों ये बात तो जानते ही होगे कि यदि भूख लगी हो और भोजन ना मिले क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहता। चले जाओ वापस। हमें बचा लो गरुड़, हमारे प्राणों की रक्षा करो। हमें अभय दान दो, रक्षा करो हमारी। प्राण रक्षा, अभय दान, वो भी उस शत्रु से जिसे तुम्हें मारने के लिए भेजा गया है। हम तुम्हारे शत्रु नहीं है। हमारी इच्छा के विरुद्ध जाकर हमें मृत्यु की धमकी देकर हमें असुर सेना में सम्मिलित होने के लिए विवश किया गया था और अब असुरों की अकारण और अंतहीन हिंसा से तंग आ गए हैं हम। मैं स्वभाव से शाकाहारी हूँ, वज्रांग के आदेश से निर्दोष प्राणियों की हत्या करने के लिए विवश हूँ मैं। रक्तपात देखकर मेरा मन घबराता है गरुड़। असुरों का सैनिक बनने से पहले मैं वन का राजा था और अब वज्रांग के आदेशों का दास हूँ। मेरी छटपटाहट की कल्पना करो गरुड़, दासत्व की पीड़ा दिन रात मुझे कचोटती है गरुड़। अब और सहन नहीं होता, मैं आखेट करना चाहता हूँ परंतु केवल अपनी भूख की आवश्यकता मिटाने के लिए, किसी और के सत्ता पाने के लालच के लिए नहीं करूँ। आखेट आवश्यकता के लिए होना चाहिए, लोभ के लिए, खेल के लिए या
शक्ति के भोंडे प्रदर्शन के लिए नहीं। मेरी माँ ने भी मुझे यही सिखाया है, और आप दोनों ऐसा सोचते हैं ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पर वज्रांग भैया की सेना में आप दोनों को रहना नहीं है, तो फिर ये बात आप उन्हें क्यों नहीं बता देते? क्योंकि वो कभी नहीं समझेंगे, हमारे प्राण ले लेंगे वो, या फिर ऐसा जीवन जीने पर विवश कर देंगे जो कि मृत्यु से भी भयानक होगा। हमें उनके अधीन हुए बहुत वर्ष हो गए, लेकिन आज तक ऐसा कोई योद्धा नहीं मिला जो उनको चुनौती दे सके। केवल आप ही हैं जो संजीवनी विद्या के बिना भी मृत्यु के द्वार से सकुशल वापस आए हैं। यदि समस्त संसार में कोई हमें वज्रांग के क्रोध और दंड से बचा सकता है, तो वो केवल तुम हो भाई गरुड़, केवल तुम। तुम्हारी शंका हमारी मृत्यु का कारण बन जाएगी गरुड़। संदेह नहीं, सहायता करो, हमारे प्राणों की रक्षा करो, हमें बचा लो गरुड़। आप मुझसे बड़े हैं, उठिए, ये मेरे पैर मत छू। नहीं नहीं, मैं नहीं हटूंगा, चाहे तुम कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, मैं अब ये पांव नहीं छोड़ूंगा गरुड़। तुम में से कोई एक उसका ध्यान भंग करेगा और दूसरा उसे क्षण उस सीमा रेखा को पार कर अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा। छल हुआ मेरे साथ। उसे फंस गया गरुड़, फंस गया। सिंगमुखम, तीव्र भागो, भागो। इतना अधिक सताएगी तो मैं अदिति माँ की रक्षा के दायित्व पर अपना ध्यान कैसे केंद्रित कर पाऊंगा? ले गरुड़, भूख लगी होगी ना, भर पेट भोजन करना, बढ़ते तन को पोषण की आवश्यकता होती है। लगता है तेरा पेट भरा नहीं है।
ले। क्या हुआ, भोजन अच्छा नहीं लगा तुझे? नहीं मां, ऐसी बात नहीं है। स्वाद तो अच्छा है और कदरू दीदी को भी मेरे हाथ का भोजन स्वादिष्ट लगता है, तो तुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा? पता नहीं मां, इस भोजन से मेरी भूख मिटती ही नहीं है। मैं जानता हूं आप बहुत श्रम से, बहुत मन से मेरे लिए भोजन बनाती है, पर न जाने क्यों मुझे स्वाद ही नहीं आता मां। और ये भोजन खाने का मेरा मन नहीं करता। मुंह खोल अपना, दिखा मुझे। अब समझ आया इस भोजन से तेरा पेट क्यों नहीं भरता, क्योंकि तेरा मन नहीं भरता इससे। करुण, ईश्वर ने तुझे मांसाहारी बनाया है, तुझे अपने भोजन के लिए आखेट करके अन्य जीवित प्राणियों को खाना होगा। तो मां, मुझे किन प्राणियों को खाना चाहिए? आयु में स्वयं से छोटे प्राणियों को कभी मत खाना करो, और उस युगल को जो आपस में मैथुन समागम कर रहा हो, जहां तक संभव हो किसी दुष्ट या अत्याचारी प्राणी को ही खाना, ताकि तेरा पेट भी भर जाए और जगत का कल्याण भी हो जाए। परम पिता विष्णु की कृपा और माँ के आशीर्वाद से बिना अधिक श्रम किए ही भोजन मिल गया। पर इसका अर्थ ये नहीं कि तू सो जाए गरुड़, तुझे पहरा देना है। प्रहरी का धर्म ज्ञात है ना, एक पल के लिए भी पलके झपकाने का अधिकार नहीं है तुझे। ये रेखा पार करने के लिए नहीं आ रहा था क्या गरुड़? इतने बड़े बड़े असुर से युद्ध किया और एक साधारण बारहसिंगा से भयभीत हो गया। प्रणाम बाबा। दीर्घायु भव पुत्र, यहां किसी बारहसिंगा को देखा है तुमने? हाँ, वो उस दिशा में गया है। लगता है बारहसिंघा मुझे दौड़ा दौड़ा कर मार देगा। क्या हुआ बाबा? इसके सिंह में मेरी अरणी अटक गई है और वो उसे लेकर के इधर उधर भागा फिर रहा है। ना वो उसे स्वयं निकाल पा रहा है और ना मुझे निकालने दे रहा है। अब तुम ही बताओ पुत्र, मैं अरणी के बिना यज्ञ कैसे करूंगा? और जब यज्ञ नहीं करूंगा तो अन्न जल कैसे ग्रहण करूंगा? लगता है आज मेरे
प्राण ही निकल जाएंगे। नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए, कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा। हाँ हाँ, है एक उपाय, यदि तुम मेरी सहायता करना चाहो तो। तुम एक पक्षी हो और तुम उड़के उसे ढूंढ सकते हो और तुम मेरी अरणी वापस ला सकते हो। बोलो पुत्र, तुम इस असहाय वृद्ध ब्राह्मण की सहायता करने का उपकार करोगे ना? माँ ने सिखाया है, जब भी अवसर मिले परोपकार अवश्य करना चाहिए और ब्राह्मण देवता की सहायता तो सदैव करनी चाहिए। पर यदि मैं इनकी अरणी लेने चला गया तो मैं अदिति माँ की तपस्या की रक्षा कैसे कर पाऊंगा?